हे hey, नमस्कार दोस्तों, कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि यार Redmi Note 7 Pro मैंने लिया है, Redmi Note 7 Redmi या फिर आप Redmi का जो भी फोन ले हो, तो आपको अगर अपडेट आया है 10.3.10 का और आप अपडेट नहीं कर पाए हो तो किस तरीके से आपको आगे क्या कुछ करना है, वही सारी चीजें इसमें भी वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर शिवम। यार कई बार ऐसा होता है कि जो भी अपडेट सॉफ्टवेयर आते हैं फोन को अपडेट करने के लिए, जो भी सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, हम अपडेट नहीं करते या फिर डेटा नहीं होता या फिर किसी भी कारण, तो हम सोचते हैं चलो कल कर लेंगे। कल मेरे साथ भी ऐसा हुआ यार, मैंने Redmi Note 7 Pro मेरा फोन है तो मेरे में वहां पे अपडेट दिखा रहा था 10.3.10 का अपडेट, तो मैंने सोचा चलो यार सुबह में कर लूंगा। तो जैसे ही मैंने मॉर्निंग में ओपन किया अपडेट करने के लिए 10.3.10 के पे, तो यहां पे जो वो अपडेट था वो दिखाई नहीं दे रहा था। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दूं कि यार जो भी कंपनी अपडेट देती है, अगर आप उसे थोड़े टाइम बाद अपडेट नहीं करोगे तो वहां पे वो अगर उसमें थोड़ी सी भी बग रहेगी, तो कुछ भी बग रह जाता है उस अपडेट में, उस अपडेट में भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको स्क्रॉल डाउन कर लेता है। अब अपडेट नहीं करोगे तो आपको दिखने वाला नहीं है एक दो घंटे के बाद ही। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ, तो मैंने यहाँ पे इसका पूरा अच्छे तरीके से कंक्लूजन निकाल लिया है। मैंने यहाँ पे कस्टमर केयर से बात की है और बहुत कुछ किया है, आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो यार जस्ट मैंने तुरंत कस्टमर को फोन किया, MI आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम आया MI से तो आप रिलेटेड उस नंबर पर फोन करके पूछ सकते हो कस्टमर केयर के। तो मैंने तुरंत जो है कस्टमर केयर को फोन लगाया, तो मैंने पूछा भैया मैंने जो 10.3.10 का अपडेट है वो मैंने नहीं रिसीव किया, यानी अपडेट नहीं किया डेटा नहीं होने के कारण। तो उन्होंने बोला कि भैया देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी अपडेट्स होते हैं वो यार अगर आपको दिए जाते हैं आप अपडेट नहीं करते हो तो यार वो हटा लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि उन अपडेट्स में भी कुछ ना कुछ खामी यानी कुछ ना कुछ बग्स जरूर रह जाते हैं, तो कंपनी उनको स्क्रॉल डाउन कर लेती है, जिन्होंने अपडेट किया है ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है उनको अपडेट वो नहीं दिखाई देती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ, वो अपडेट जो है स्क्रॉल डाउन कर ली गई, लेकिन फिर उन्होंने ये भी बोला कि यार बहुत ही जल्दी आपको उस अपडेट को भी इंप्रूव करके एक अपडेट दे दिया जाएगा हफ्ते भर के अंदर। मैं आपको उन्होंने मुझे कोई टाइम तो नहीं बताया लेकिन बताया बहुत ही जल्दी वो अपडेट आ जाएगा। तो कभी भी आप ये मत घबराना कि मैंने अपडेट नहीं किया रात में यार और सुबह में अपडेट सो ही नहीं कर रहा है तो मेरा फोन वो अपडेट नहीं ले पाएगा, नहीं दोस्तों आपको शिफ्ट करके आगे वाले अपडेट पे ही जाना है, जैसे ही नया अपडेट आएगा आपका अपडेट फोन हो ही जाएगा। तो यार मैंने कस्टमर केयर से अच्छे तरीके से बात किया तो सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है। आपका अगर अपडेट नहीं हुआ है 10.3.10 पे तो यहां पे आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करो, बहुत ही जल्दी आपको बहुत ही कुछ इंप्रूवमेंट करके दिया जाएगा। और Redmi Note 7 Pro में रही कैमरा लैगिंग हीटिंग इशू, तो उन्होंने बोला कि अगर नॉर्मल हीटिंग आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हीटिंग है तो मैं आपकी कंप्लेन ले लेता हूं और बहुत ही जल्दी इसको भी फिक्स कर दिया जाएगा। तो उन्होंने ये सारी चीजें भी बोली हैं, तो कैमरा हीटिंग इशू मैं आशा करता हूं कि ये भी जल्दी फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों लास्ट में उन्होंने बोला कि अगर आप अपडेट लेना ही चाहते हो तो उन्होंने एक लिंक दिया मैसेज के थ्रू, तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे जाके आप Redmi का कोई भी फोन यूज करते हो ए टू जेड कोई भी फोन, तो उसका बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स आप ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, जाके सब कुछ डाउनलोड कर लीजिए। तो बस यार इस वीडियो को बस इतना ही, वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस में लेके आता रहता हूं, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को ताकि नए वीडियोस की जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।